जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रो सेज टीवी पर शुक्र ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 25 अप्रैल 2024 को मेष राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र आपको कैसे परिणाम देंगे, यानी कि 25 अप्रैल 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करने वाले शुक्र ग्रह आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। भौतिक सुख सुविधा देने में शुक्र ग्रह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, योगदान रहता है इनका। शुक्र ग्रह धन वैभव ऐश्वर्य और विलासिता की चीज़ें देने वाले कहे जाते हैं। शुक्र को सौंदर्य का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के गोचर में बदलाव इन तमाम क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। फिलहाल जब शुक्र अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि को छोड़कर मंगल ग्रह की पहली राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तब शुक्र नैसर्गिक तथा तात्कालिक मित्रता के अनुसार मित्र अवस्था में रहने वाले हैं। तो ऐसे में शुक्र आपके लिए कैसे परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव में ही गोचर करने वाले हैं। पहले भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, अतः शुक्र का यह गोचर आपको आर्थिक मामलों में अच्छा लाभ करवा सकता है। वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सुख सुविधा, धन संपत्ति, शिक्षा, विवाह, आमोद प्रमोद, व्यापार आदि से संबंधित मामलों में शुक्र के इस गोचर के चलते आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम देगा। इस गोचर फल को लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। वृष राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं, इसके साथ ही साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचरवश शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में भी शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न या राशि स्वामी का द्वादश में जाना स्वास्थ्य संबंधी मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस गोचर की अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ यदि आप जॉब करते हैं तो नौकरी या अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान बने रहना भी जरूरी रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही साथ समय समय पर भोग विलास और मनोरंजन भी कर सकेंगे। विदेश आदि से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री उपहार में देना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। लाभ भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है। ऐसे में दूर के स्थानों से संबंधित अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। प्रेम प्रसंग और शिक्षा से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। धन और ऐश्वर्य में वृद्धि के योग बनेंगे, कामों में सफलता मिलेगी, मित्रों का अच्छा सहयोग भी मिल सकेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस गोचर फल को लग्नानुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। कर्क राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का कर्म स्थान पर जाना अच्छी मेहनत के बाद अच्छा लाभ दिलाने का संकेतक है। यदि आप घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे तो उस मामले में भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। अर्थात शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में नकारात्मकता को शांत किया जा सकेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहाँ की साफ सफाई करना है,
यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं और गोचरवश शुक्र आपके भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं। सामान्य तौर पर भाग्य भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा जाता है। अतः शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में आपको अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। धार्मिक क्रियाकलापों से आपका जुड़ाव हो सकता है, धार्मिक यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है, यानी आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य भी इस गोचर की अवधि में संभव हो सकता है। भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलने से काम पूरे होते रहेंगे, लेकिन फिर भी काम के प्रति लापरवाही उचित नहीं रहेगी। नौकरी आदि में बदलाव के लिए भी यह गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इत्र मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करते हुए शुक्र आपके अष्टम भाव आठवें भाव में पहुंचे हैं। अष्टम भाव में भी शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी का आठवें में जाना कुछ चीजों के लिए कमजोर माना जाएगा, कहा जा सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अपने कामों में भाग्य के भरोसे बैठना या दूसरों पर निर्भर रहना समझदारी का काम नहीं होगा। यदि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे और निष्ठापूर्वक कोशिश करेंगे तो आप अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। आर्थिक लाभ मिलने की भी अच्छी उम्मीदें हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि के भी योग बनेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके आठवें भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में गोचर करते हुए शुक्र आपके सप्तम भाव में पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं। वैसे तो सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि सप्तम का शुक्र जननेन्द्रियों से संबंधित कुछ रोग या परेशानियां दे सकता है। विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी से कुछ विवाद हो सकता है अथवा किसी भी स्त्री से विवाद करवाने का काम शुक्र का या गोचर कर सकता है। शुक्र का या गोचर आजीविका में कुछ बाधाएं देने वाला भी माना गया है, लेकिन शुक्र आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं और लग्न या राशि के स्वामी होकर के लग्न को देखेंगे तो ऐसे में आपको इस बात का अनुमान पहले से हो जाएगा कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है। और यदि आप अपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनेंगे और सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे, यानी दोनों की सुने, दिल दिमाग की, और सावधानी पूर्वक निर्वाह करें तो आप नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे और सकारात्मकता के लेवल को मेंटेन कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लाल गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में सातवें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके छठे भाव में पहुंचे हैं। यहां पर शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। भले ही शुक्र मित्र राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं की गतिविधियों को लेकर सजग रहना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य खराब ना होने पाए इस बात की भी कोशिश जरूरी रहेगी। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है और किसी भी स्त्री से विवाद नहीं करना है। इन सावधानियों को अपनाने के बाद आप नकारात्मकता के लेवल को नियंत्रित कर सकेंगे। अतः इन मामलों में जागरूक रहते हुए निर्वाह करिए और सकारात्मकता को मेंटेन रखिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला पहनाना मंगलकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके पंचम भाव में पहुंचे हैं। पांचवें भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में लग सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन की ओर भी, एंटरटेनमेंट की ओर भी आपका मन अधिक खींचा रह सकता है। तो ऐसे में कला और साहित्य के विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं।
प्रेम संबंध के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा को मखाने की खीर का भोग लगाना, सिंटेट खीर का भोग लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर मकर लग्ने या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस गोचर फल को लग्नानुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। मकर राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करते हुए शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का जो गोचर है उसे सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः आपका श्रम, आपका परिश्रम आपकी मनोकामना आपूर्ति में सहायक बनेंगे। आर्थिक मामले में भी शुक्र का यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। वाहन और घर आदि से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। आप सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुएं घर ला सकते हैं। आत्मीय और संबंधी जनों से मिलना हो सकता है। सामाजिक मामलों में भी शुक्र का यह गोचर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे लग्न अनुसार इस गोचर फल को देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सटीक रहेगा। कुंभ राशि वालों शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके तीसरे भाव में पहुंच रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा गया है। भाई बंधुओं और मित्रों का लाभ करवाने वाला कहा गया है। इन सब के सहयोग से आप विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में देखे जा सकेंगे। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी आपको सुनने को मिल सकता है, अर्थात शुक्र का यह गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम आपको देना चाहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी शुक्र का यह गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा गया है। हालांकि घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लाने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन लगातार की गई कोशिश और इच्छा शक्ति से घर गृहस्थी से जुड़ी हुई कुछ सुविधाप्रद वस्तुएँ आप घर ला सकेंगे, ऐसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बहते हुए शुद्ध जल में साबुत चावल बहाना लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि शुक्र का मेष राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। फिर से स्पष्ट कर दूं, इस गोचर फल को लग्न के अनुसार देखना ज्यादा उचित रहेगा। मीन राशि वालों शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आठवें भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करते हुए शुक्र आपके दूसरे भाव में गए हैं। दूसरे भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा गया है, अतः यह गोचर आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकता है। भाई बंधु और पड़ोसियों का सहयोग भी जरूरत पड़ने पर आपको मिल जाएगा। नए कपड़े या नए आभूषण खरीदने की इच्छा पूर्ति हो सकती है। गीत संगीत अथवा गायन में आपका रुझान बढ़ सकता है। घर परिवार या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य संभावित है। आर्थिक मामलों के अलावा शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी शुक्र का यह गोचर अनुकूल परिणाम आपको दे सकता है, दिला सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में देसी गाय के घी से बनी हुई मिठाइयाँ माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शुक्र के इस गोचर के परिणाम को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और शुक्र के गोचर का न केवल आप लाभ ले सकेंगे बल्कि यदि इससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो योजनाबद्ध तरीके से अब आप उसे दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.